नमस्ते जोहार, मैं अनुराधा, अनुराधा कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं सर्दियों के मौसम में काफ़ी कम मात्रा में पाई जाने वाली गांठ गोभी की सब्जी बनाने वाली हूँ, जिसे कि काश्मीरी सब्जी के नाम से भी जाना जाता है। और इस सब्जी में काफ़ी पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और विटामिन बी पाया जाता है। तो चलिए, इस गांठ गोभी को बनाने की विधि आज मैं बताती हूँ। आज मैं इस गांठ गोभी की सब्जी को मटर के साथ मिक्स करके बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गांठ गोभी को ले लेना है और इसके ऊपर और नीचे वाले भाग को हमें काट कर अलग कर लेना है। इस तरीके से मैं काट कर अलग कर लूँगी। ये जो भाग होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, तो मैंने इसे काट कर इस तरह अलग कर लिया है। बाकी किनारे से हमें थोड़ा थोड़ा इसे छील लेना है। तो इस तरीके से जब आप भी बनाएं तो इसे साइड ऊपर और नीचे भाग को निकाल कर चारों तरफ से इसे छील लें। जब भी गांठ गोभी की आप सब्जी बनाएं तो चारों तरफ से इसके हार्ड पार्ट को इस तरीके से छील कर आपको तैयार कर लेना है। तो मैंने भी इसे छील लिया है और अब मैं इसे काट ले रही हूँ। तो मैं इसे काट कर तैयार कर ले रही हूँ। इसके अलावा जब आप इसे काटें तो आप इसे छोटे साइज में ही काटें, ताकि ये इसे पकने में ज़्यादा समय ना लगे और जल्दी ही बनकर सब्जी आपकी बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरीके से मैं इसे काट कर तैयार कर ले रही हूँ। इस तरीके से मैंने छोटे छोटे साइज में काट कर तैयार कर लिया है। बाकी आपको जैसा भी खाना पसंद हो वह उस साइज में आप काट कर इसे बना सकते हैं। और इस तरीके से सारे गोभी को मैंने टुकड़ों में काट लिया है। आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल आलू के जैसा देखने में लग रहा है। और इसे मैंने काटने से पहले ही धो लिया था। और जब भी आप सब्जी बनाएं तो इसे काट कर ना धोएं, नहीं तो इसके जो विटामिन्स होते हैं वो सारे धुलकर विटामिन्स भी धुल जाते हैं पानी में। तो मैंने इसे काट कर यहाँ पर तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल भी हमारा सरसों का तेल मैंने डाल दिया। तेल गर्म हो चुका है और मैं इसे सरसों के तेल में ही बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लाल मिर्च डाला था, सूखा लाल मिर्च है, एक कच्ची मिर्च है, और यहाँ राई है, जीरा है और मेथी है। थोड़ा थोड़ा सा मैंने सारी चीज़ों को ले लिया है और सारी चीज़ों को मैं तेल में डाल दे रही हूँ। और इस सब्जी को आज माही बना रही है, तो आप माँ के द्वारा इस सब्जी को बनाना आज सीखें। और अब मैं इसमें गांठ गोभी डाल दे रही हूँ। और अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ और हमें इसे नमक डालकर ही फ्राई कर लेना है। जब तक गांठ गोभी हमारी फ्राई हो रही है तब तक मैं इसके लिए मसाला पीस कर तैयार कर ले रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच मैंने काली मिर्च लिया है, यहाँ खड़ा धनिया है, लगभग 10 से 15 लहसुन की कलियाँ हैं, एक चम्मच राई है और एक चम्मच जीरा। और सारी चीज़ों का मैं मिक्सी में डालकर इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ गांठ गोभी को भी मैंने कुछ देर फ्राई कर लिया है और गांठ गोभी मेरी फ्राई हो गई, तो मैंने जो मसाला पीसा था इस मसाले को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और अब मैं इसमें हल्दी का पाउडर, एक चम्मच हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ और लगभग आधा चम्मच काश्मीरी मिर्च, और हमें इसे डालकर मिला लेना है। और अब मैं इसे ढककर मसाले को फ्राई होने तक मैं इसे पका लूँगी। और मसाला भी हमारा फ्राई हो गया है। और यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है, जिसे कि मैंने काट लिया है। इस टमाटर को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे फिर कुछ देर ढककर हमें पका लेना है, जब तक टमाटर हमारा गल ना जाए। तो कुछ देर और मैं इसे भून कर तैयार कर लेती हूँ। और ये हमारी जो सब्ज़ी है अच्छे से फ्राई हो चुकी है, मसाला भी हमारा फ्राई हो गया है। और अब मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ, और क्योंकि ये गांठ गोभी है तो गांठ गोभी की जो होती है वो जल्दी से पक नहीं पाती है, तो ये अभी हार्ड है, पकी नहीं है, तो मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। तो आप ज़रूरत के अनुसार ही आप इसमें पानी डालें। तो बस हमें इसमें थोड़ा ही पानी डालना है, क्योंकि ये ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी। और इसे मैं कुकर में डालकर एक सीटी आने तक पका लूंगी। तो जब भी आप बनाएं तो इसे लास्ट में एक बार कुकर में डाल देंगे तो ये जल्दी से पककर तैयार हो जाएगी। तो मैं इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। इस तरीके से आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है
और ये सब्जी काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो अब मैं इसका ढक्कन लगा दे रही हूँ और एक सीटी आने तक इसे पका लेती हूँ। और गांठ गोभी को भी मैंने पकने के लिए रख दिया है, लेकिन मैंने अभी तक मटर का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो मटर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मटर का हमें किस टाइम इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो अब मैं इस मटर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मटर कटोरी में ले लिया है और यहाँ मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो चुकी है। और अब मैं इस मटर को इसमें डाल दे रही हूँ और मटर को हमें बस कुछ देर के लिए ही इसे फ्राई कर लेना है, क्योंकि जब आप मटर किसी भी सब्जी में डालते हैं तो मटर में एक मिठास होती है। तो अगर आप मटर को आप फ्राई नहीं करेंगे तो वो अपनी मिठास पूरी सब्जी में बिखेर देता है, जिसकी वजह से सब्जी हमारी मीठी लगने लगती है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा फ्राई करके आप सब्जी में मटर का इस्तेमाल करेंगे तो सब्जी हमारी मीठी नहीं लगेगी और सब्जी का स्वाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस मैं कुछ देर के लिए इसे फ्राई कर ले रही हूँ। कुछ देर मटर को मैंने फ्राई कर दिया। हमें ज़्यादा मटर फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा ही मैंने मटर फ्राई किया था। और इधर कुकर में मैंने इसे सीटी लगा दिया था, ढक्कन भी खुल चुका है। और मैं ये जो सब्जी है इसे इसमें मटर में मैं डाल दे रही हूँ और इसे मैं मिला दे रही हूँ। और अब मैं आपको अब दिखा दे रही हूँ कि ये जो है काफ़ी गट गोभी है, काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुकी है। देखिए ये टूट जा रही है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुकी है। और ये क्योंकि आज मैं इस सब्जी को बिल्कुल सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ, लटपटी सब्जी बनेगी हमारी। तो इस बस कुछ देर और मैं इसे पका ले रही हूँ ताकि ये जो इसकी ग्रेवी है थोड़ी और सूख जाए और हमारी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। तो बस 5 मिनट मैं इसे और कुक कर ले रही हूँ। सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब मैंने इसे बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश धनिया की पत्तियों से मैंने इसे गार्निश कर दिया है और इसे मैं मिला दे रही हूँ। और अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ और इस तरीके से मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसका सब्जी का कलर कितना अच्छा लग रहा है और ये इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में इसका स्वाद उससे भी ज़्यादा अच्छा है। और इस तरीके से एक बार मेरे तरीके से सब्जी को ज़रूर बना के खाइएगा। और आज इस सब्जी को मैंने माँ के तरीके से बनाया है। तो मेरी सब्जी बनाने की विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।